हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ मैटर प्योर है? तो दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर एंड इट इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसका जो नेम है वो एक क्वेश्चन है, क्या मैटर हमारे चारों तरफ प्योर है। तो अभी मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखता हूँ जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हियर एयर और सेकेंड इज वाटर। ओके, इफ एनीबडी आस्क्स टू यू एयर इज प्योर या वाटर इज प्योर, सो गिव द आंसर Which one is pure? तो आंसर एयर, वाटर इज प्योर, एयर इज इम्प्योर, एयर इज इम्प्योर, एयर इज इम्प्योर, बट वाटर इज प्योर, वाटर प्योर है। अब क्वेश्चन है ये इम्प्योर क्यों है, ये प्योर क्यों है? तो आंसर है इट इज Made up of many gases, क्योंकि ये many gases से मिलके बनी है। जैसे example nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and some noble gases. Okay? Now water is pure. Why? Because it is made up of same kind of molecules. Okay, or you can say that it is made up of hydrogen and oxygen and both are chemically combined. Okay, वाटर प्योर है क्यों? सबसे पहला रीजन है कि इट इज अ कंपाउंड प्योर होते हैं, और दूसरा रीजन है कि ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने। अगर एक ग्लास वाटर ले लें तो उसमें आप कहें कि क्या एक मॉलिक्यूल है? नो, इसमें मिलियंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है जो दोनों केमिकली कंबाइंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए ये वाटर जो है वो प्योर है, और एयर इम्प्योर है क्योंकि ये मैनी गैसेस का एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है, और यहाँ पे मैनी गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, इसलिए ये इम्प्योर है। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड इन आर सराउंडिंग ऑल मैटर आर नॉट प्योर, सम आर इम्प्योर, सम आर प्योर। ओके, फर्स्ट थिंग। नाउ क्वेश्चन सेकेंड इज हियर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर क्या है? तो मैटर क्या होता है स्टूडेंट? दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस क्लास मीन्स इन प्रीवियस चैप्टर। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज दिस इज वर्ड इज ऑल्सो इन द नेम ऑफ चैप्टर। ओके, क्योंकि ये वर्ड भी इस चैप्टर के नेम में आया है। सो नाउ स्टूडेंट, मैटर क्या है देखिए, तो मैटर कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच हैव वॉल्यूम एंड मास। कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम हो और मास होता है,
ठीक है। जैसे एग्जांपल एयर वाटर ब्रेक ब्रेक चॉक डस्टर ऑक्सीजन गैस स्टूडेंट। ये कुछ एग्जांपल्स जो मैटर के मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सभी देखे तो इनमें वॉल्यूम भी होता है, ये मास भी कंटेन करते हैं, तो इसलिए ये सभी क्या है मैटर है। मैटर होने के लिए दो चीजें दो कंडीशंस होनी चाहिए। अब वो क्या कंडीशंस है जो ये प्रूव करे कि सब्सटेंस मैटर है, तो कंडीशंस टू बी अ मैटर। तो फर्स्ट कंडीशन है इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी चीज अगर हम कहें किसी भी चीज को ये मैटर है तो वो स्पेस को घेरना चाहिए उसे। और सेकेंड है इट शुड हैव मास, और इसमें मास होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है तो वो मैटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा।